सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें हम लोग देख रहे हैं आपके राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। अब दोस्तों, इसमें हमने 45 नंबर तक के क्वेश्चंस को देख लिया था और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 46 से आगे देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 45 नंबर के क्वेश्चन दो पार्ट में बने हैं, मतलब दो वीडियो इससे पहले बन चुकी हैं राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों का। अगर वह वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ गणित विषय के सामने, जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में आई बटन पे भी क्लिक करके आप गणित के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। पहले मैंने क्लासेस पढ़ाई है, क्लासेस आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न कराए हैं सभी चैप्टर वाइज, तो वह देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा, क्लास चलाते जाइएगा। गणित में दोस्तों आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लेना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 46 है, ऋण पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों पूर्णांक संख्याएं आप लोग जानते हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इसमें अगर हम लोग ऋणात्मक संख्याएं भी ऐड कर देते हैं तो हमें कौन सी संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। देखिए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पे इस प्रकार दिखाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इससे तो आप परिचित ही हैं, यह तो पूर्ण संख्याएं हैं। और इधर जब ऋणात्मक संख्याएं भी इन्हीं संख्याओं के साथ लिख दी जाती हैं, -1, -2, -3, -4, इसी तरीके से इधर -5, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे पूर्णांक संख्याएं हम लोग बोलते हैं। तो अब देखिए पूछ रहा है कि ऋण पूर्णांक संख्या कौन सा है, -3/5 है, -5 है, 0 है या द ऋण करणी में 7 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूर्णांक संख्याओं में कौन सी संख्या दिख रही है, ऋण 5 दिख रहा है, तो ऑप्शन ब जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्णांक में दोस्तों जो दशमलव का पार्ट होता है वह शून्य होता है। देखिए 5.0 इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो आप लोग हमेशा जानिए डेसिमल पार्ट जो होता है पूर्णांक संख्याओं का वह 0 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, नहीं, हाँ, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। गुणात्मक प्रतिलोम से आप क्या समझते हैं, किसी भी संख्या का अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होता है, मतलब आपको वह संख्या ज्ञात करनी होती है जिससे हम दी गई संख्या को अगर गुणा कर दें तो बराबर में हमें क्या मिल जाए, बराबर में हमें 1 मिल जाए। तो अब दोस्तों शून्य के साथ ऐसी कोई संख्या है जिसे हम गुणा कर दें तो हमें 1 मिल जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं दोस्तों। शून्य के साथ अगर किसी भी संख्या को हम लोग गुणा करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, तो इसलिए दोस्तों ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता हो, तो ऑप्शन आ जो है यहाँ पे नहीं वह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, ऋण 1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं, 0, 1, 2 या द अनंत। अब दोस्तों अभी आपने देखा संख्या रेखा, संख्या रेखा पे बीच में 0, इधर -1 बाई तरफ और दाई तरफ 1। अब पूछ रहा है दोस्तों कि इन दोनों के बीच में कितने परिमेय संख्याएं आप लोग लिख सकते हैं, तो दोस्तों परिमेय संख्याएं तो आप लोग चाहे जितनी लिख सकते हैं इनके बीच। देखिए 0 से 1 के बीच में ही आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2, 2/7, 3/7, 4/7, मतलब कि आप चाहे तो कितनी भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अब यही ऋणात्मक कर दीजिए तो यही 0 से -1 के बीच की संख्याएं हैं, तो इस तरीके से दोस्तों आप अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं -1 से 1 के बीच में, तो ऑप्शन द यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 8 का योगात्मक प्रतिलोम है, तो दोस्तों
अभी हमने गुणात्मक प्रतिलोम देखा था। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि वह संख्या हमें ज्ञात करनी होती है जिसका अगर हम गुणा करते हैं तो हमें एक मिल जाता है उत्तर में। लेकिन योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, योगात्मक जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, योग यानी कि धन, तो यह एडिशन से मतलब जोड़ से संबंधित है। तो ऋण आठ का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऋण आठ या किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे हम लोग उस संख्या में अगर जोड़ दें दोस्तों तो हमें जो उत्तर मिल जाए वह शून्य मिल जाए। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है ऋण आठ का योगात्मक प्रतिलोम, तो ऋण आठ का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों। अब इधर आप सॉल्व करिए, देखिए ऋण आठ को मान लेते हैं, ऋण आठ का योगात्मक प्रतिलोम एक्स है, तो ऋण आठ को अगर x में जोड़े तो शून्य प्राप्त होना चाहिए क्योंकि x जो है वह ऋण आठ का योगात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या मिल जाएगा समीकरण, x ऋण आठ बराबर शून्य और x बराबर आठ, मतलब कि x की वैल्यू आठ होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं भी आठ नहीं दिया गया है तो द ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। अब देखिए यही यहाँ पे भी पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 50 में ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा, तो ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा दोस्तों, 16, क्योंकि 16 को अगर ऋण 16 में जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, शून्य। और यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए कहीं भी 16 नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन द जो होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए प्रश्न संख्या 51 है, जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। दोस्तों राजन का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ही मैंने आपको बताया था समानुपात, मतलब कि जिनका अनुपात समान होता है, तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि जब दो अनुपात समान हो तो उनके संबंध को क्या कहते हैं, तो उनके संबंध को समानुपात कहते हैं। ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 52 है, समानुपाती पदों 2:30 समानुपाते 60:90 में पूछ रहा है कि कौन सा मध्य पद है कौन सा बाह्य पद है। तो सबसे पहले आप यहां पे देख लीजिए, जो बीच के पद होते हैं, जो बीच के दो पद हैं जो समानुपात चिन्ह के साथ लगे रहते हैं और बीच में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग मध्य पद कहते हैं, ठीक है। तो यह आप लोग याद रखिएगा, जो बीच वाले होते हैं इन्हें हम लोग मध्य पद कहते हैं और जो बाहर तरफ के दोनों पद होते हैं एकदम बाएं तरफ और एकदम दाहिनी तरफ उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग बाह्य पद कहते हैं। यह आप लोग याद रखिएगा, जो बाहर के दोनों हैं वह बाह्य पद हैं और जो अंदर के दोनों हैं वह मध्य पद हैं। तो यहाँ पे 20:90 बाह्य पद हैं और 30:60 जो हैं वह मध्य पद हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखेंगे तो 30:60 मध्य पद हैं, यह ऑप्शन द में दिया गया है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 53 है, 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ऑप्शन सा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है, द मध्य पदों का गुणनफल 3750 है। तो दोस्तों समानुपात यहाँ पे नहीं है क्योंकि आप देखेंगे समानुपात में एक नियम फॉलो होता है, जो बाह्य पद होते हैं, जो यहाँ पे बाह्य पद होते हैं उनका जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है मध्य पदों के। जैसे कि यहाँ पे आप अगर गुणा करके देखेंगे तो बाह्य पद 90 × 20 जब आप करेंगे तो वह बराबर आपको मिलेगा अंतः पदों के मध्य पदों के गुणनफल के, यानी कि 30 × 60 के। अब 90 और 20 का गुणा करिए, देखिए 1800, और इधर भी देखेंगे आप 30 और 60 का गुणा करके तो ये भी 1800 आ रहा होगा। मतलब कि जहां भी आप समानुपात देखेंगे वहां पर एक नियम फॉलो होता है, वह नियम क्या होता है, बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। तो अब यहाँ पे दोस्तों 52 में यही प्रश्न पूछ रहा है कि यह समानुपात में क्यों नहीं है, तो
अब देखिए बाह्य पदों का आप गुणा कर लीजिए और अंतः पदों का आप मध्य पदों का आप गुणा कर लीजिए। तो बाह्य पद है दोस्तों 25 और हजार, तो 25 और हजार का गुणा करते हैं एक तरफ और देखते हैं मध्य पदों के गुणा के बराबर है कि नहीं। तो 75 का गुणा आप 500 में कर लीजिए, 25 में हजार का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000 और 500 का गुणा 75 में करेंगे आप तो 5 25 के 5 86 लगा 2 5 7 35 और 2 37। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष जो है वह बराबर नहीं आ रहा है। जो बाह्य पदों का गुणनफल है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन द जो हो जाएगा बा, ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के नहीं है, यहाँ पे नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 54, 6 और 54 का मध्यानुपाती है। अब दोस्तों आपने समानुपाती पढ़ा, अब यह नया टर्म आ गया है मध्यानुपाती। अब दोस्तों मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती दोस्तों यह जो वहां पे समानुपात होता है वहां पे जो मध्य पद होता है वह दोनों आपस में बराबर होते हैं जहां पे, वही मध्यानुपाती कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे दोस्तों बाह्य पद आपको दिया गया, दो पद दिए गए हैं, यह दोनों बाह्य पद हैं और मध्यानुपाती मतलब कि मध्य का पद जो है वह बराबर है और वही आपको निकालना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 6 अनुपाते। अब मध्य का पद आप कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं x है तो समानुपाते, दूसरा पद भी दोस्तों x हो जाएगा क्योंकि मध्यानुपाती है यह, तो 6 अनुपाते x, समानुपाते x, अनुपाते 54 ये लिखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि बाह्य पदों का जो गुणा होता है वह अंतः पदों के गुणा के बराबर होता है, यानी कि अंतः पदों का गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा x इंटू x, एक्स स्क्वायर और 54 का गुणा हो जाएगा 6 में, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 54 गुणे 6, यानी कि x स्क्वायर बराबर आप कितना लिख सकते हैं 324 और x बराबर हो जाएगा करणी में 324 और 324 दोस्तों किसका वर्गमूल होता है? यह होता है 18 का वर्गमूल, 18 को दो बार आप गुणा करेंगे तो 324 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा 18, x का मान 18 आ गया तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा, जो मध्यानुपाती यहाँ पे होगा वह 18 होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 55, 5 अनुपाते 5 समानुपाते x अनुपाते 45 में x का मान होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो वही आपको जो समानुपात में जो आपको नियम पता है दोस्तों उसी को आपको अप्लाई कर देना है। आपको जो बाह्य पदों का गुणा है वह बराबर दिखा देना है अंतः पदों के गुणा के। तो बाह्य पदों का गुणा जब आप लिखेंगे दोस्तों तो अंतः पदों का गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों 5 गुणे x हो जाएगा और बाह्य पदों का गुणा कितना हो जाएगा 45 गुणे 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 गुणे 5 बटे 5। अब 5 से 5 कैंसिल तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा, x का मान 45 आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 56, 9, 12, 18 का लासा है। तो 9, 12 और 18 का लासा आप दोस्तों निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 9, 12 और 18 इस प्रकार आप लिख लीजिए और देखिए कोई संख्या 2 से कट रही है, सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। तो 2 से यहाँ 12 और 18 कट रहा है तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, 9 नहीं कटेगा तो 9 को इसी प्रकार लिख लेंगे। फिर देखिए 12 6 बार में और 18 9 बार में कटेगा तो इस प्रकार लिख लेंगे। फिर चेक करेंगे 6 कट रहा है तो फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 9 को इसी प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे और यहाँ पे फिर 9 को इसी प्रकार लिख लेंगे। अब देखेंगे 2 से नहीं जा रहा है तो फिर 3 से ट्राई करेंगे, देखिए 3 से 9 3 और 9 सभी कट रहे हैं तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए 9 3 बार में कटेगा, 3 1 बार में और 9 3 बार में।
आप देखेंगे फिर से तीन से कट रही है संख्याएं, तो तीन से हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, तो एक 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 सभी एक हो गए। तो अब हम लोग लासा लिख लेंगे, लासा कितना आ जाएगा, सभी का गुणा कर लेंगे, यहाँ पे जितनी भी संख्याएं आई हैं इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 यह हो जाएगा लासा, इसका गुणा करेंगे आप तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36, तो लासा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा 36 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है दोस्तों, 9 के अपवर्तक हैं, ऑप्शन आ 9, 18, 27, 36, बा 3, 6, 9, 12, सा 1, 3, 6, 9 या दा 1, 9, 18, 27, 36। तो अपवर्तक दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा अपवर्तक मतलब क्या होता है। अपवर्तक मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में मैं बताऊं तो गुणनखंड होता है इसका मतलब, और इंग्लिश में जो बच्चे समझ सकते हैं उसका मतलब होता है फैक्टर। जो संख्या आपको दी गई है जैसे 9 दिया गया है, तो 9 के अपवर्तक जब आप लिखेंगे तो वे संख्याएं आपको लिखना है जिनसे 9 पूरे पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। तो 9 सबसे पहले तो आप समझिए कि 1 से पूरा पूरा डिवाइड होता होगा, इसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होता है, फिर 3 से डिवाइड होता है, 4 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है, 7 से नहीं होता है, 8 से नहीं होता है, सीधे फिर 9 से। तो 9 इन तीन संख्याओं से डिवाइड होता है, यह फैक्टर्स होते हैं 9 के। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में आपको 1, 3, 9 नहीं मिल रहा है, आपको सा में देखने को मिलेगा, लेकिन सा में जो है वह 6 दिया हुआ है। तो ये 6 ना हो, केवल 1, 3 और 9 हो तो ये ऑप्शन जो है सा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अपवर्तक क्या होते हैं, गुणनखंड फैक्टर्स किसी भी संख्या के जिससे वह संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। अब दोस्तों जब प्राकृतिक संख्याएं आप लिखते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं क्या लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक यही होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी कौन सी होगी जो सबसे पहले यहाँ पे आ रही है, यानी कि 1, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 59 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी जब पूर्ण संख्याएं आप लिखते हैं तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस प्राकृतिक संख्या जो आप लिखे रहते हैं उसी में शून्य ऐड हो जाता है, शून्य और लिख देते हैं आप, 0 और लिख देते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से ये होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0, शून्य, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 60 है, एक है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या या दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा एक ऐसी एक संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 61, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। तो क्रमागत दो पूर्णांकों, क्वेश्चन समझिए आप, क्रमागत दो पूर्णांक, तो पूर्णांक आप समझते ही हैं, अगर संख्या रेखा पे शून्य अगर मैं दिखाऊं, 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी पूर्णांक हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्रमागत मतलब क्रम से अगर हम लोग चलते हैं तो दो पूर्णांकों के बीच अंतर कितना है, मतलब कि एक के बाद दो आ रहा है तो इन दोनों पूर्णांकों में कितना अंतर है, या दो के बाद तीन आ रहा है तो इन पूर्णांकों में कितना अंतर है। तो दोस्तों आप देखेंगे दो और एक में अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, दो में से एक घटाएंगे आप तो एक आएगा, या फिर आप 3 और 4 के बीच में निकालेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो एक आएगा। इसी तरीके से आप कोई भी क्रमागत जैसे 250 और 249 का अंतर आप लेंगे तो भी एक आएगा, मतलब एक के बाद दूसरी संख्या क्रमागत संख्या के बीच का जो अंतर होता है वह एक होता है। तो ऑप्शन बाज हो जाएगा दोस्तों, वह बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 62 है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होता है? शून्य एक वही संख्या, ऋणात्मक वही संख्या। अब दोस्तों शून्य आप किसी भी संख्या में से शून्य घटा देंगे, जैसे तीन है, तीन में से आप शून्य घटाएंगे तो कितना मिलेगा तीन, या फिर चार में से शून्य घटाएंगे तो कितना मिलेगा चार, तो वही संख्या आपको प्राप्त होती है किसी भी पूर्ण संख्या से अगर आप शून्य घटा रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 63 है, प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं एक दो तीन चार पांच, यही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में कौन सी प्राकृतिक संख्या दिख रही है, ऑप्शन आ पांच। अब क्वेश्चन नंबर 64 है, 1-8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि इसको आपको होल स्क्वायर के रूप में दिखाना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसी प्रकार ये बनेगा पूर्ण वर्ग, मतलब कि आपको इस रूप में a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे दिखाना है, और आपको दिया है 1-8x और पूछा कितना जोड़ दें हम लोग कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देखिए आपको दिया गया है 1-8x और इसको होल स्क्वायर आपको बनाना है, मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, इसी रूप में आपको बना देना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक। तो अभी तो आपको यहाँ पे स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा होगा, आपको सबसे पहले इस रूप में लाना है इसको, और इस रूप में आप ले आएंगे तो ये होल स्क्वायर के रूप में तो आप लिख ही देंगे। तो अभी तो जब इस रूप में आप लाने की कोशिश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो एक को तो स्क्वायर के रूप में आप लिख ही सकते हैं, एक को एक का वर्ग लिख ही सकते हैं, क्योंकि एक का वर्ग जो होता है वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो वन को हम लोग वन स्क्वायर लिख देंगे, -8x लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए x का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो हम लोग इसमें एक्स स्क्वायर के टर्म को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यही आपसे पूछ ही रहा है कि क्या जोड़ दें हम लोग कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए कि a के जगह पे मान लेते हैं हम लोग a स्क्वायर के जगह पे तो 1 का स्क्वायर है, तो अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर -2 इंटू, अब 2ab होता है तो इसी के फॉर्म में आप इसको तोड़ लीजिए, 2 इंटू, इसे आप लिख सकते हैं 4x। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 4x, तो यही 4x स्क्वायर के रूप में, मतलब कि आपको चाहिए होता है 2 इंटू ab। तो यहाँ पे a की जगह आपको 1 दिख रहा है, तो 2 इंटू 1 इंटू 4x यही आपको लाना है। तो b की जगह मतलब बी स्क्वायर आपको चाहिए, बी स्क्वायर मिसिंग है, तो बी स्क्वायर लाने के लिए 4x का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो अब हम लोग इसमें कितना जोड़ देंगे, 1 स्क्वायर 2 इंटू 4x इंटू 16x स्क्वायर। अगर यह है आप जोड़ देते हैं 16x स्क्वायर, तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, 4x का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू 4x प्लस 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों यह है आपको a-b का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4-1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम लोग 16x स्क्वायर जोड़ दें तो यह जो दिया गया है हमें यह पूरी तरीके से होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा 16x स्क्वायर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 65 है, x²-4x-5 के गुणनखंड हैं, तो इसका गुणनखंड दोस्तों आपको करना है, तो देखिए किस प्रकार आप गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है x²-4x-5, इसी का आपको गुणनखंड करना है। तो देखिए गुणनखंड आप किस प्रकार करेंगे, आप जो स्टैंडर्ड
समीकरण होता है दोस्तों, वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बोलते हैं, और हिंदी में जो बोलते हैं वह बोलते हैं गुणक। तो एक्स स्क्वायर का गुणक दोस्तों यहाँ पे आपको ए दिख रहा है, और एक्स का गुणक बी दिख रहा है, और सी जो है वह कांस्टेंट संख्या है, मतलब कि इसके साथ एक्स नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो एक्स का गुणक कितना है, का गुणक अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों को, तो ए का मान एक है, बी का मान ऋण चार है, और सी का मान जो है वह ऋण पांच है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव आपको दिया गया है, तो एक्स का जो कोफिशियंट है, एक्स का जो गुणज है, उसको कांस्टेंट से गुणा कर लेना है, यानी कि यहाँ पे एक का गुणा हो जाएगा ऋण पांच में, तो आपको कितना मिल रहा है, ऋण पांच मिल रहा है। ठीक है, दोनों को आप गुणा करने पे दोस्तों आपको मिल रहा है ऋण पांच। तो अब जो बीच वाला पद है, अब यहाँ पे बी का जो मान है वह ऋण चार है। अब इस बी को आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस बी को इस प्रकार लिखना है कि जो गुणा है वह ऋण पांच आए, बी को आपको इस प्रकार तोड़ना है कि जो गुणा है वह ऋण पांच आए, और जो जोड़ हो वह ऋण चार आ जाए। तो आप लोग ऋण चार को कितना लिख सकते हैं, ऋण पांच धन एक लिख सकते हैं दो पदों के रूप में। ठीक, तो ऋण पांच का गुणा आप एक में करते हैं तो आपको मिलता है ऋण पांच, और ऋण पांच और एक को आप जोड़ देते हैं तो ऋण चार तो मिलता ही है। तो इस प्रकार दोस्तों बस यही ब्रेक करने वाला जो चीज है, जो अलग अलग लिखने वाला चीज है, यही आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है और जो कॉन्स्टेंट दिया है दोनों को गुणा कर लीजिए। दोनों को गुणा जब आप करेंगे तो आपको जो भी मिलता है वही आपको लाना है। जैसे ऋण पांच यहाँ पे मिला है, यही ऋण पांच आपको लाना है किसकी मदद से, जो एक्स का कोफिशियंट है। यहाँ पे जैसे माइनस चार है, तो माइनस चार के मदद से आपको माइनस पांच लाना है, और यह कैसे लाना है, यह लाना है दो पदों में इसको ब्रेक करके, और उन दोनों पदों का जो गुणा होना चाहिए वह माइनस पांच के बराबर होना चाहिए। तो माइनस चार को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पांच लिख सकते हैं, माइनस पांच धन एक लिख सकते हैं। तो माइनस पांच और एक का गुणा जब आप करेंगे तो माइनस पांच आपको मिलेगा, और जोड़ेंगे तो माइनस चार। यही दो चीजें आपको याद रखनी है, गुणा करने पे ये दोनों का जो एसी का जो मान आया था उसके बराबर होना चाहिए, ए इंटू सी जो हमें मिला था उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने पे जो है वह बी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने खोज लिया ऐसा, ऋण पांच और धन एक का हमने खोज लिया है, तो इसका जब हम लोग गुणनखंड लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव का, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर। अब देखिए किस प्रकार आपको मदद मिलेगी, माइनस पांच और प्लस एक आपने खोजा है, तो आप इसे लिख दीजिए माइनस फाइव एक्स प्लस वन एक्स, या एक्स आप लिख सकते हैं माइनस फाइव। अब आप देखिए यही चीज दोनों लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव यहाँ पे लिखा गया है, और यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव। आप देखेंगे तो ये बीच वाला पद कितना लिखा है, माइनस फोर एक्स ही लिखा है, कुछ दूसरा नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स और यहाँ पे माइनस फाइव। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, पहला ये हो गया, फिर प्लस यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो वन कॉमन आ जाएगा, प्लस वन और एक्स माइनस फाइव। अब देखिए दोनों जगह x माइनस फाइव है, तो x माइनस फाइव कॉमन आ जाएगा, यानी कि x माइनस फाइव जब आप निकाल लेंगे दोनों जगह से तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो x प्लस वन, ये हो जाएगा दोस्तों गुणनखंड x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस वन। तो ये आपको ऑप्शन में दिया गया है x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस वन, ये गुणनखंड हो जाएगा।
अब देखिए प्रश्न संख्या 66 है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों हम लोग पहले भी इस पे आधारित प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, यह होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 67 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इससे पहले भी दोस्तों हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था। अगर हमें भुजा पता है, इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, जो एरिया समबाहु, केवल समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, मतलब कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वह बराबर हो, जैसे इसकी 10 दी गई है तो सभी भुजाओं की जो लंबाई है वह 10 होनी चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, तभी यह फॉर्मूला लगता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 भुजा का वर्ग, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे 3/4 और भुजा के जगह कितना आएगा 10, और 10 का वर्ग होगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, √3/4 × भुजा का वर्ग। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा √3/4 × 10^2 100, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 25√3 वह बा में दिया गया है, तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 68, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो दोस्तों वृत्त मतलब इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कल, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें आर रेडियस होता है और इसी आर रेडियस के साथ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एरिया जो होता है वृत्त का वह होता है π r² तो यहाँ पे ऑप्शन सा में दिया गया है, तो π r² बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां पे r वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए प्रश्न संख्या 69 है, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा π r² और यहाँ पे r की वैल्यू हमें 7 मीटर दी गई है, तो π × 7² यानी कि 49π² तो यहाँ पे देखिए इसे आगे सॉल्व किया है, आगे आप सॉल्व कर लीजिए 49π की जगह आप क्या लिख सकते हैं 22/7 लिखते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई की, तो 7 × 7 = 49 होता है। अब 7 का 22 में गुणा होगा तो 7 × 14 = 4 हासिल लगा 1, और 7 × 14 फिर से और 1 = 15 तो 154m², तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा दोस्तों 154m² या 154 वर्ग मीटर भी इसे आप लिख सकते हैं, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 70 है, घन के आयतन का सूत्र है। तो दोस्तों घन जो होता है यह एक 3D आकृति होती है और इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, और सभी जो होता है वह समान होता है, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। तो A से अगर हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल A से इसके एक भुजा को, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो हो जाता है वह तीनों ही A हो जाता है, और किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए हम लोग लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई करते हैं, तो A का 3 बार गुणा करेंगे तो A³ हो जाएगा। तो घन के आयतन का सूत्र जो होता है वह A³ होता है, ऑप्शन आ जो है यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तक हमने तीसरे पार्ट में आपके गणित विषय के 70 क्वेश्चन को कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों 91 क्वेश्चन हैं आपके राजन सीरीज में बहुविकल्पीय में, तो एक पार्ट और बनेगा इसका, और उसके बाद बहुविकल्पीय जो है राजन सीरीज के वह खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों राजन सीरीज के साथ साथ आप लोग सभी क्लासेस को भी पढ़ते रहिए। अब दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सभी जो नोटिफिकेशन हैं दोस्तों वह आपको मिलती रहे और आपकी कोई भी क्लास छूटे नहीं। और गणित की जितनी भी क्लासेस दोस्तों मैंने कराई हैं, चैप्टर वाइज उस पर प्रश्न हल कराए हैं,
24 क्लासेस बनी हैं 12 यूनिट की। पहली क्लास आप देखेंगे तो पहली यूनिट और दूसरी क्लास आप देखेंगे तो उस पे आधारित अभ्यास प्रश्न। इसी प्रकार दोस्तों मैंने सभी चैप्टर्स के सभी कॉन्सेप्ट को आपको बताया है, उन पे आधारित प्रश्नों को कराया है। तो सभी क्लासेस आप लोग जरूर देखिए, आपको जहां दिक्कत आए आप मुझे बताइए। इस वीडियो में अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम लोग अलग से भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। और आप लोग अपने डाउट दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए। तो दोस्तों मैं क्या किया करूंगा, अगले वीडियो में आप लोग के डाउट भी डिस्कस कर लिया करूंगा वीडियो के अंत में। तो आप लोग चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अपने डाउट मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आने वाली वीडियोस में आपके डाउट जो है वह क्लियर कर दिया करूंगा। ठीक है, बस आप लोग पूरी प्रैक्टिस करिए और मुझे बताते रहिए कहाँ दिक्कत आ रही है, हम लोग सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब दोस्तों आपको गणित की और वीडियोस अगर पढ़नी है तो यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गणित विषय का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोस जो है गणित की वह खुल के आ जाएंगी, आप सभी को एक तरफ से देख सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।